त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 की परीक्षा जिले भर में रविवार को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। इस दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी चाक चौबंद रहे। जिला मुख्यालय के सभी केंद्रों का जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा व SP नारायण टोगस ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं रतनगढ़ क्षेत्र के 16 केंद्रों पर SDM विजेंद्र सिंह के निर्देशन में तहसीलदार प्रवीण कुमार, BDO दिलीप कुमार, EO सहदेव चारण सहित 765 अधिकारी व कर्मचारी परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने में जुटे रहे। सरदार शहर के 17 परीक्षा केंद्रों पर भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। 2 पारियों में हुई इस परीक्षा में विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने जगह जगह हेल्प डेस्क सेंटर बनाकर सुविधाएं भी प्रदान की। 26 सितंबर 2021 को रीट की एग्जाम 2 पारियों में संपन्न हुई है। प्रथम पारी 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक संपन्न हुई और दूसरी पारी 5:30 बजे तक संपन्न हो रही है, चल रही है। दोनों शिफ्ट की पारी है वो बड़ी शांतिपूर्वक एवं बड़े ही सजगता के साथ में संपन्न हुई है। कहीं भी जिले में जो 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या किसी प्रकार की जो है पेपर से संबंधित, एग्जाम से संबंधित कोई गड़बड़ प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए परीक्षाएं शांति से चल रही हैं। 107 सेंटर बनाए गए थे जिसमें चूरू के ब्लॉक में 32 परीक्षा केंद्र थे, उनमें भी परीक्षा शांतिपूर्वक हुई है। और रतनगढ़ के अंदर राजलदेसर सहित 20 केंद्र बनाए गए थे, उनमें भी परीक्षा शांतिपूर्वक हुई है। सुजानगढ़ में हमारे यहाँ 19 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई है एवं सरदार सर के अंदर 17 पे और सादुलपुर के अंदर 10 परीक्षा केंद्र में और तारानगर में 9 परीक्षा केंद्र पे शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई है। प्रशासन ने एवं पूरे शिक्षा विभाग ने मिलकर के अच्छी परीक्षा की तैयारी की और हम लगभग 1 हफ्ते से इस परीक्षा की तैयारी में सुरक्षा में जुटे हुए थे, जिसका परिणाम आज ये हुआ कि चूरू जिले की परीक्षा शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक। आज जो रीट की एग्जाम हो रही है, यहाँ पे 6,600 बच्चे यहाँ पे पूरे रतनगढ़ में और राजलदेसर में हैं। तो हमने फ्लाइंग स्क्वाड जाने से पहले, जैसे मेरी फ्लाइंग स्क्वाड में ड्यूटी है, उसमें जाने से पहले ही मैंने पूरे शहर का भ्रमण किया है, यहाँ के लोगों की व्यवस्थाएं देखी हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो उनको व्यवस्थित किया है, बच्चे सारे अंदर चले गए हैं, सिक्योरिटी इंश्योर की है कि किसी स्कूल में किसी तरह की कोई व्हीकल्स वगैरह नहीं हो और किसी स्टाफ की भी बाइक वगैरह नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए ज़्यादातर स्कूलों में मैंने विजिट किया है तो सभी जगह व्यवस्थाएं माकूल पाई गई हैं। शहर में भी ज़्यादा कहीं पर कोई रश वगैरह नहीं दिखाई दी और हमारे पुलिस जाब्ता और रेवेन्यू की टीमें हैं वो जगह जगह लगी हुई हैं। हमने हेल्प डेस्क बना रखे हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं सारी, सभी जगह रहने की व्यवस्थाएं, छाया सब जगह टेंट लगा रखे हैं, अच्छी जगह व्यवस्थाएं कर रखी हैं। वहीं राजलदेसर कस्बे में पहली बार हुए रीट के एग्जाम में कुल 4 सेंटर पर तहसीलदार अमीलाल यादव व राजलदेसर थाना प्रभारी महेंद्र सैन के नेतृत्व में पूरी निगरानी रखी गई। इसके अलावा राजलदेसर व्यापार मंडल की ओर से बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए 1200 भोजन के पैकेट, 200 पैकेट इंदिरा रसोई से व 200 पैकेट शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा वितरित किए गए। सरदार शहर में भी सूरजमल रावतमल सैनी कम्मा परिवार द्वारा सूरज भवन में ठहरने व खाने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा रतनगढ़ में परीक्षा देने आए 4,000 से अधिक परीक्षार्थी शनिवार की शाम शहर की विभिन्न धर्मशालाओं में रुके, जहां पर धर्मशाला संचालकों ने उनके भोजन, रहने व सोने की व्यवस्था की। वहीं रविवार के दिन परीक्षा समाप्ति पर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत एवं स्वयंसेवी तथा व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों व जन प्रतिनिधियों ने भोजन व पानी की व्यवस्था को संभाला। तो किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, अगली बार अच्छा व्यवस्था किया है समाज की तरफ से, बहुत अच्छा लगा हम लोग, और ऐसा होना भी चाहिए। किस प्रकार की कोई कमी वगैरह नहीं? नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सेठ श्री राउतमल जी सैनी परिवार की तरफ सामने हमने सबने भाइयों ने मिलकर ये व्यवस्था की है। उनकी एक ही इच्छा थी कि आप लोग मेरी तरह मानवता की सेवा करें, मानवता के हर प्रोत्साहन में भागीदारी में शामिल हों, और हमने करीबन गेस्ट हाउस में 250-300 के करीबन विद्यार्थी आए हैं, उनको सब चीज़ की चीज़ें उपलब्ध कराई है और रहने की है, खाने पीने की, नाश्ते की, सब सभी व्यवस्था की है। हाँ बोलिए सेन जी, महाराज कीजिए। आज हम लोगों ने सेन समाज सेन भवन में सर्व समाज रीट परीक्षा देने आए विद्यार्थियों के लिए
निःशुल्क सारी व्यवस्था की है राजल देसर में, और सारे सर्व समाज के लोगों का भी सहयोग है, और सैन समाज का तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है, और सैन भवन में सारे सर्व समाज निपक्ष निभाव से सेवा दी। सबसे अच्छी जिम्मेदारी जो निभाई हमारे पुलिस भाइयों ने निभाई, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और बाहर जो खाने वगैरह सह समुदाय व्यवस्था की गई थी वो भी बहुत ही सराहनीय है, और लगभग सभी जिलों के अंदर सभी केंद्रों पर यह व्यवस्था की गई है। ये राजस्थान सभी पूरे देश के अंदर एक मिसाल बनकर उभरा है इस मामले में, और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही है, लगभग सभी व्यवस्था अच्छी थी। बस एक टेबलों की थोड़ी समस्या है, मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगामी जो भी है टेबलों की थोड़ी सर्विस करवा दे, क्योंकि हाथों पे थोड़ी सी दर्द आ जाती है, जो लोहे की टेबल है उनको चेंज करवाया जाए थोड़ा। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बीकानेर। क्या नाम सर? मेरा नाम हिंगलाज चारण। कैसा गया आपका? बहुत अच्छा रहा मेरा, और लेवल फर्स्ट में उम्मीद करता हूँ कि मेरा श्योर हो जाएगा। आज जो ये रीट के एग्जाम हो रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसमें क्या है कि नगर पालिका की ओर से समस्त व्यापार मंडल वालों का सहयोग लिया, और अन्य जो भी सामाजिक संस्था है उनका सहयोग लेकर के, और करीब 1400 पैकेट उसमें मिठाई तक के, सब्जी पूड़ी और मिठाई तक उसमें शामिल है। इवन 200 पैकेट इंदिरा रसोई के माध्यम से हमने तैयार करा के जो बच्चे आए हैं, ये उनके जो अभिभावक है अन्यथा, इसके अलावा जो यहाँ पर जो कार्यरत है स्टाफ है, जैसे मान लो पुलिस स्टाफ है या शिक्षक वर्ग है, उनके लिए भी हमने मतलब ये व्यवस्था की है। रीट परीक्षा के दौरान नकल करते हुए रविवार को रतनगढ़ तहसील के गांव की पूर्व सरपंच के पति व एक महिला को गंगा शहर बीकानेर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकल करवाने वाले गिरोह के सदस्य भी तहसील के गांव से ही वास्ता रखते हैं। गंगा शहर थाना अधिकारी रानीदान चारण ने बताया कि रीट परीक्षा में नकल करने वाले गैंग की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को दस्तयाब किया है। उक्त लोगों द्वारा ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कराने के कार्य को अंजाम दिया जाना था। गहनता से पूछताछ करने पर इन्होंने नकल कराने व करने की बात को स्वीकार किया है। संयुक्त किसान सभा के भारत बंद के समर्थन में आज किसानों द्वारा तारानगर बंद सफल रहा। किसानों को व्यापारियों द्वारा बंद का पूर्ण समर्थन मिला। इस दौरान किसान सभा के कामरेड निर्मल कुमार ने बताया कि किसानों को आंदोलन करते हुए 10 महीने हो गए हैं, और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर किसानों ने मुख्य मार्गों में काले कानून के विरोध में नारेबाजी कर रैली निकाली। इस अवसर पर उमराव सिंह, विक्की सोनी, किशन शर्मा आदि किसान मौजूद रहे। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को पूरे देश में बाजार बंद का आह्वान किया है, तो इसको लेकर के तारानगर में पूरे चूरू जिले में बाजार बंद जिले के संयुक्त मोर्चे के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, और व्यापार मंडल ने भी इसको लेकर के समर्थन किया। 27 सितंबर को आज के दिन भारत बंद रखा गया है। पिछले 10 महीने से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि आज के दिन भारत बंद रहेगा। जिस तरह से हमारे किसानों की आवाज़ दिन बर दिन बुलंद होती जा रही है, वैसे ही हमारी कामना है कि इसी तरह ये आंदोलन प्रफुल्लित होता रहे और हमारे किसानों की आवाज़ बुलंद होती रहे। जय जवान जय किसान। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में चूरू जिला मुख्यालय पर भी आज जिलाध्यक्ष रामरतन सिहाग के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष सिहाग ने बताया कि केंद्र सरकार के 3 काले भूमि कानूनों को वापस लेने के लिए, MSP पर कानून बनाने के लिए व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के समर्थन में चूरू बंद की अपील शांतिपूर्ण ढंग से की गई है। उन्होंने बताया कि तेज गति से बढ़ने वाली महंगाई व पेट्रोल डीजल के दामों में आम व्यापारी, गरीब और मजदूर की हालत दयनीय है। इस दौरान कांग्रेस नेता मुश्ताक खान, रियाजत खान, आदुराम न्योल सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। किसान मोर्चा के निर्णय अनुसार हम संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी लोग हैं वो सारे बाजार में जाएंगे, अब विनम्रता से शांतिपूर्ण तरीके से अपील करेंगे और निश्चित रूप से बंद कराएंगे। किसी प्रकार की कोई अप्रिय व्यवहार की बात नहीं आएगी, सारे बंद करेंगे, निश्चित रूप से बंद करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान जो दूर दराज से
गांव में रहते हैं वो अभी आए हैं, अभी अपील करेंगे। बारिश का मौसम है, फसल का मौसम है, फसल पक के तैयार होगी, अत्यधिक वृष्टि होने के कारण किसानों की फसलें खराब भी हो गई, तो समय लगता है किसान के दैनिक क्रम से वो निवृत्त होकर पाए, और हम अपील करेंगे और निश्चित रूप से व्यापारी हमारी अपील को स्वीकार करेंगे और बंद में हमारा सहयोग करेंगे। कार्यक्रम ये रहेगा मुख्य मार्गों से यहाँ से होते हुए हम रेलवे स्टेशन सुभाष चौक और गढ़ चौराहे धर्मस्तूप लाल घंटाघर इंद्रमणि पार्क से होते हुए स्टेशन तक आएंगे और सबसे शांतिपूर्ण अपील करेंगे। 27 संघों सभी किसान संघों द्वारा सभी बीजेपी समर्थित पार्टियों के अलावा सभी पार्टियों को इस बंद को समर्थन प्राप्त है, और ये जो बंद है किसी पार्टी का ना होकर पूरे देश का भारत बंद का आह्वान, और ये सफल होगा। सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि जो तीन काले कानून है जो पास किए वो पूरे देश के लिए घातक है और पूरे देश की कृषि व्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। उसके विरोध में ये जो बंद का ऐलान किया गया, आज बंद सफल होगा। आपको नहीं, हम सभी विनम्र पूर्वक जो भी बंद करना चाहेगा, समर्थन करना चाहेगा, उसी को बंद करवाएंगे। यदि कोई खुली रखता है तो उसकी मर्जी, हम तो विनम्र पूर्वक प्रार्थना करके बंद करवाने के समर्थन। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का सरदार शहर में भी मिला जुला असर देखा गया। व्यापारियों ने आज दोपहर तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं कृषि उपज मंडी में स्थित व्यापारियों ने पूर्णतः मंडी बंद रखकर किसानों का समर्थन किया। शहर के वकील भी आंदोलन का समर्थन करते हुए सभा में उपस्थित रहे। गांधी चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगन लाल चौधरी ने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा तथा MSP पर कानून बनाना होगा। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, डेयरी अध्यक्ष लालचंद मूड, एडवोकेट इलियास खान सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। पूरे देश के किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे हो गए और उसी के ऊपर आज पूरा जो भारत है वो बंद है, और इसमें सरदार शहर है विशेष तौर से, पूरा जो सब्जी मंडी है, पूरी जो कृषि मंडी है और पूरा जो शहर का बाजार है वो पूरा का पूरा किसान आंदोलन के समर्थन में स्वतः स्फूर्त लोगों ने बंद करके इस किसान आंदोलन की मदद की है। इसके लिए सभी व्यापारियों का, सभी लोगों का हम संयुक्त मोर्चा की तरफ से धन्यवाद करते हैं। सर, सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? सरकार से तो हम यही कहना चाहते हैं कि 10 महीने के बाद सरकार को किसानों के जो तीन कृषि कानून है और जो बिजली कानून 2020 है, और अभी जो इस शुरू ज़िले में फसलों का पिछले 17-18 से लेके आज तक का जो बकाया बीमा क्लेम है, पिछले एक साल से लोगों के डिमांड भरे हुए हैं, उनका बिजली कनेक्शन है, इन तमाम मांगों को लेके हमें सरकार से मांग करते हैं कि ये तुरंत मानी जाए और किसानों का आंदोलन जो है इसको उसके साथ बातचीत करके ये तय किया जाए। बाजार जो बंद है, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, कृषि मंडी, सारे व्यापारियों ने अपने आप स्वेच्छा से बाजार बंद रखा है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे व्यापारी लोगों ने सहयोग किया, और भारत बंद, पूरा भारत बंद है जिसमें सरदार शहर भी पूरी तरह से बंद है, और कृषि कानूनों के खिलाफ जो अभी 10 महीने से आंदोलन चल रहा है इसको लेकर लोगों का जो जुनून है, सहयोग है, इसके लिए इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार से मांग है हमारी कि हमारी जो मुख्य मांग है कृषि कानून इसको रद्द किया जाए, और हमारी कृषि जिन्स है, कृषि खरीद MSP भी की जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और दूसरी बिजली संबंधी और भी बहुत समस्या है जिसके बारे में राज्य सरकार को हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं, और हमारी मांग नहीं मान रहे, इसलिए हम आगे भी ये रणनीति जारी रखेंगे। जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भारत बंद का असर आज रतनगढ़ में भी देखने को मिला। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, जिसके तहत भारतीय किसान मजदूर यूनियन द्वारा क्षेत्र में जुलूस भी निकाला गया। नगर पालिका के पास से शुरू हुआ जुलूस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अशोक स्तंभ, घंटाघर सहित कई प्रमुख मार्गों से होता हुआ गढ़ परिसर पहुंचा, जहां पर उपखंड कार्यालय में किसान नेताओं ने तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया। इस दौरान DYSP साले मोहम्मद व सब इंस्पेक्टर राधेश्याम के नेतृत्व में पुलिस के जवान बाजारों में तैनात रहे।
करीबन 1.5 साल से अधिक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की स्कूल नहीं लगने के कारण उनके माता पिता एवं विद्यार्थियों को बहुत चिंता सता रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए आज दिनांक 27 सितंबर से विद्यालय खोलने के निर्देश जारी किए थे, जिसके अंतर्गत आज राजल देसर के 3 नंबर विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया गया। साथ ही सरकार की पूरी पालना के तहत सभी विद्यार्थियों को मास्क लगाए गए। इस अवसर पर शिक्षक जगदीश प्रजापत ने बताया कि आज पहला दिन होने के कारण अधिकांश बच्चों ने विद्यालय में उत्साह से अध्ययन किया। आज राज्य सरकार के आदेश अनुसार कक्षा 6 से 8 पहले से संचालित थे और 1 से 5 आज दिनांक 27 तारीख से शुरुआत हो गई है। लगभग बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और कोविड नियमों की पूर्णतया पालना के साथ हमने सुव्यवस्थित रूप से कक्षाएं भी शुरू कर दी है। वही राज्य सरकार के निर्देशानुसार 50% विद्यार्थी सीमा के अंतर्गत आज जिला मुख्यालय पर भी श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी बाल विहार द्वारा संचालित किड्स होम में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं प्रारंभ की गई। एक लंबे अंतराल के बाद मासूम चेहरों की मुस्कान विद्यालय आगमन के साथ लौटी तथा ऑनलाइन कक्षाओं की पढ़ाई से ऊब चुके बच्चों ने राहत महसूस की। उनकी खुशी अपने अध्यापकों के सानिध्य में देखते ही बन रही थी। छोटे छोटे कदमों से चलकर जीवन की बड़ी जिम्मेदारी का सबक सीखने आए बच्चों का मनमोहक दृश्य, विद्यालय की साज सज्जा एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के चेहरे की खुशी एक नई ऊर्जा का संचार करती प्रतीत हुई। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य प्रेम सिंह राठौड़, कार्यकारिणी सदस्य अजय शर्मा, घनश्याम शर्मा सहित समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। बहुत खुशी की बात है, बच्चे हैं तो खुशियां हैं, बच्चे हैं तो ऊर्जा है, बच्चे हैं तो चहल पहल है। आज 1.5 साल के बाद हम देख रहे हैं कि विद्यालय में पुनः एक बार चहल पहल शुरू हुई है और वो बच्चों की वजह से है। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब आगे सब कुछ ठीक रहे ताकि बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान नहीं आए और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी कामना के साथ में मीडिया पर्सन का और स्टाफ का, पेरेंट्स का, सबका हम धन्यवाद करते हैं। सरदार शहर में विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की प्रांतीय महासमिति के आह्वान पर आज पैन डाउन हड़ताल की गई, जिसके कारण आमजन को विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ा व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ा। इस पैन डाउन हड़ताल में परिषद के तीनों घटक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो संघ एवं पटवार संघ ने भाग लिया। कर्मचारियों ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के साथ राज्य सरकार ने 7 सूत्री मांगों को लेकर 2018 समझौता किया था कि 2 माह में संपूर्ण मांगों को लागू कर दिया जाएगा। 3 साल बाद भी समझौते को लागू नहीं किया गया, जिसके कारण परिषद के सदस्यों में भारी रोष व्याप्त है। इस मौके पर नायब तहसीलदार फारूक अली खान, नायब तहसीलदार कुटेंद्र कंवर राठौड़, कानून गो संघ के अध्यक्ष मनफूल सिंह सारण आदि मौजूद रहे। आज 27 सितंबर को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद, जिसमें कि राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, गिरदावर संघ और पटवार संघ सम्मिलित हैं, इन तीनों का संयुक्त रूप से पेन डाउन स्ट्राइक है। और ये पेन डाउन स्ट्राइक का कारण है कि सरकार के द्वारा 2021 में और 2018 में जो पहले से सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई थी उसको अमल में लाने का, पटवारियों के वेतनमान में वृद्धि हो, उनको L9 का स्केल दिया जाए, नायब तहसीलदारों के पद 100% प्रमोशन से भरे जाएं और तहसीलदारों के पद में 50% प्रमोशन और 50% डायरेक्ट भर्ती की जाए। और यदि आज की मांगे जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं सरकार नहीं मानती है तो 2 तारीख से आगामी होने वाले प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ का राजस्व सेवा परिषद बहिष्कार करे। आज राजस्व सेवा परिषद की ओर से एक दिन का पेन डाउन का कार्यक्रम रखा गया है। इस पेन डाउन के पीछे जो कारण है वो यही है कि राज्य सरकार ने 2018 और 2021 में राजस्व सेवा परिषद पटवार संघ और कानून संघ के साथ जो समझौते किए थे वो केवल सैद्धांतिक समझौते होकर रह गए, उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया। संगठन में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है। संगठन ने अब तय किया है कि आज का ये जो पेन डाउन है ये गवर्नमेंट को एक प्रकार की चेतावनी है और गवर्नमेंट ने इस पेन डाउन के संकेत से यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया
तो हम प्रशासन गांव के संग कैंप और प्रशासन शहरों के संग कैंप का हम सहयोग करेंगे और कैंप किसी भी रूप में सफल नहीं हो पाएंगे जिसका खामियाजा स्वयं सरकार भुगतेगी। वहीं राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले आज रतनगढ़ में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पैन डाउन हड़ताल रखकर अपना विरोध जताया। इस दौरान कर्मियों ने उपखंड कार्यालय के आगे धरना देकर नारेबाजी भी की। तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी के नेतृत्व में एसडीएम विजेंद्र सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि 3 वर्षों में सरकार की उदासीनता एवं संवादहीनता के कारण लंबित मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने के कारण राजस्व सेवा परिषद में सरकार के प्रति रोष है। इस मौके पर नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी व महावीर प्रसाद साहू सहित गिरदावर व पटवारी उपस्थित थे। 14 जनवरी से 3 जुलाई तक हमारे पटवार संघ आंदोलन चला था जिनमें बहुत सारी हमारी मांगे थी और सरकार के साथ समझौता हुआ था, कमेटियां भी गठित की थी। आज 3 महीने होने जा रहे हैं उनको लागू नहीं किया गया है और अब राजस्व कैंप पे शुरू होने जा रहे हैं, तो हमने हमारे मांगों के लिए कि जो पूर्व में समझौता हुआ है उसको लागू किया जाए ताकि हम काम यथावत करते रहे। तो यदि मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर राजस्व कैंपों का बहिष्कार रहेगा और परसों 29 तारीख को राजस्व मंडल अजमेर का भी बहिष्कार किया। राजलदेसर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बीना देसर में आज दोपहर 2:30 बजे तेज बारिश का दौर शुरू हुआ जो लगातार 1.5 घंटे तक चला। इस तेज बारिश के चलते बीना देसर में 2 कच्चे मकान ढह गए। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं सरपंच पति तुलसीराम सारस्वत, मनोज सारस्वत, बीरबल सारस्वत एवं गाँव वासियों के सहयोग से गाँव के अंदर जनरेटर के माध्यम से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। कि केवल चंद शर्मा का मकान है वो पूरा गिर गया, एकदम क्षतिग्रस्त हो गया और पानी भर गया। रास्ते में आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है और जनरेटर से पानी निकासी किया जा रहा है। सरपंच मनोज कुमार की तरफ से जनरेटर लगाकर पानी निकासी कर रहे हैं। चूरू सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार की वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन आज भंडार के प्रधान कार्यालय में मोहनलाल गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अध्यक्ष गढ़वाल ने आगंतुक सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए आग्रह किया कि भंडार के उपभोक्ता व्यवसाय से आमजन को जोड़े। विभागीय निर्देशानुसार निर्धारित मानदंड के अनुसार सदस्यों को भंडार से उपभोक्ता सामान खरीदना आवश्यक है। साथ ही सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभा को अवगत करवाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भंडार ने 22.69 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है तथा भविष्य में सभी से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। इस अवसर पर महाप्रबंधक हेमंत मीणा, उपाध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, संचालक मंडल के सदस्य नौरतमल सैनी आदि ने सहयोगीय भूमिका निभाई। 22 नौ को आम सभा की गई जिसमें भंडार हित में निर्णय लेने की सदस्यों ने राय दी और अपने लिए राय दी और उस पर अमल किया जाए। गत वर्ष में 22 लाख का प्रॉफिट हुआ था भंडार में, आगे की कार्य योजना चालू है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोपाल बालान ने अपना जन्मदिन आज चूरू के गाजसर रोड पर संचालित विनायक संस्कार केंद्र पर मनाया। इस अवसर पर युवा मोर्चा कार्यकर्ता रामचंद्र सैनी ने संस्कार केंद्र के विद्यार्थियों को फलाहार व शिक्षण सामग्री भेंट की। इस अवसर पर बस्ती प्रमुख राम लोहार, मनोज, कपिल, धनराज आदि उपस्थित रहे। तारानगर तहसील के गांव सात्यू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज सुपोषण दिवस मनाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन शर्मा ने बताया कि आज पीएससी पर रंगोली सजाकर व जच्चा गीत गाकर गर्भवती महिलाओं का सम्मान किया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली व फ्रूट्स वितरित कर गर्भ में शिशु की देखभाल व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। इस अवसर पर सुपरवाइजर अनिता पूनिया, संतोष शर्मा, आशा सहयोगिनी सीता रानी सहित अनेक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रही।
चूरू के वार्ड नंबर 34 में स्थित गंदे पानी की निकासी को लेकर आज वार्डवासियों ने पार्षद लीलाधर शर्मा के नेतृत्व में सभापति के प्रतिनिधि नारायण बालान को एक ज्ञापन सौंपा। पार्षद शर्मा ने बताया कि वार्ड में राजकीय नानीबाई उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने काफी दिनों से गंदा पानी भरा रहता है। समस्या की निजात को लेकर कई बार नगर परिषद प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या जो की त्यों बनी हुई है। इस मौके पर चंपालाल, पवन गुर्जर, भंवर गुर्जर आदि मौजूद रहे। चूरू की स्थानीय बूटिया रोड स्थित गोपाल गौशाला में सुशील बजाज कोलकाता की तरफ से छठवें पिताजी महाराज की तिथि पर आज सभी गोवंश को दलिया खिलाया गया। गौशाला प्रबंध समिति के मंत्री रमाकांत शर्मा ने सुशील बजाज का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि गोवंश की सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम है। समय समय पर अनेक प्रकार के भामाशाहों द्वारा गौशाला को सहयोग मिलता रहता है। इसी क्रम में गोवंश को आज दलिया खिलाया गया है। रतनगढ़ के पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आज प्रधान मोहिनी देवी खीचड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय फेज यूनियन के अंतर्गत क्षेत्र में कुल 8.92 किलोमीटर सड़क दाऊदसर से कांगड़ व धीरासर, लोहा से भुकरेड़ी वाया सांगासर, छाबड़ी, कुसुम देसर तथा नई सड़कों के पैच वर्क का अनुमोदन किया गया। वहीं महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कुल 106 कार्य के लिए 3 करोड़ के पूरक प्लान का भी अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर सरपंच फोरम के अध्यक्ष उमेश सिंह, सरपंच हरिप्रसाद दायमा, विक्रम पाल सहित कई जन प्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।